हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट जानेंगे। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बट इसके जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स थे उसको हम लोगों ने स्किप कर दिया था, जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? द CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ CSS प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स। CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ CSS प्रॉपर्टीज वैल्यू, यानी कि CSS प्रॉपर्टीज वैल्यू अगर आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और एक प्रॉपर्टी हमने लिखा हुआ है कलर रेड, एक आपने और लिखा हुआ फॉन्ट साइज 90px, तो इन सब का कलेक्शन, सब का, तीनों का, तीनों प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी और वैल्यू पूरा कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि CSS स्टाइल डिक्लेरेशन के पास वो पूरा का पूरा कलेक्शन है। और इस CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है दो API के थ्रू, HTML एलिमेंट डॉट स्टाइल और विंडो डॉट कंप्यूटेड स्टाइल। और इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं CSS टेक्स्ट लेंथ, पेरेंट रूल, मेथड्स, गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, गेट प्रॉपर्टी प्रायोरिटी वैल्यू, सॉरी प्रायोरिटी, रिमूव प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी, और एक होता है लास्ट में आइटम। अब अगर आपको इन प्रॉपर्टीज और मेथड का यूज़ करना है तो आपको चाहिए क्या? ये CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट। और CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे? इन API के थ्रू। तो स्टाइल API हम लोग देखते हैं, स्टाइल प्रॉपर्टी। The style property is used to get or set the inline style of an element. While getting, it returns a CSS style declaration object. Style property आप जब किसी element में लगाएंगे तो वह आपको return करके देगा क्या? CSS style declaration object. और उस जो भी return करेंगे वो किसी variable में store करेंगे, तो वह जो variable होगा वह actually में होगा आपका CSS style declaration object. और उस वेरिएबल के थ्रू आप CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट की जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड हैं उसको आप एक्सेस कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वाइल गेटिंग इट रिटर्न्स अ CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टाइल प्रॉपर्टीज फॉर दैट एलिमेंट विथ वैल्यूज असाइंड फॉर द एट्रीब्यूट्स दैट आर डिफाइंड इन द एलिमेंट्स इन लाइन एट्रीब्यूट। सो इसका देखते हैं एग्जाम्पल। हम लोग इसका नहीं देखेंगे, स्टाइल प्रॉपर्टी का तो हम लोग देख चुके हैं। हम लोग देखेंगे CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स का एग्जाम्पल। यहाँ ये मैंने आपको दिखाया है बिकॉज हमें अगर CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट की। और CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट आपको कौन देगा? ये स्टाइल प्रॉपर्टी देगा। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए देखते हैं, कोड समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल सा कोड है HTML का। HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी के अंदर P लिखा है, P में लिखा हुआ है ID, और इनलाइन स्टाइल लिखा हुआ है मैंने, इसमें एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे। ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये प्रॉपर्टी का वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये प्रॉपर्टी का वैल्यू है। बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे, कलर ब्लैक, ये हमारा टेक्स्ट, और यहाँ पी बंद, यहाँ स्क्रिप्ट स्टार्ट, यहाँ स्क्रिप्ट बंद, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, तो मैंने ये एक लाइन पहले से लिख के रखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है मैंने कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई पी, यानी कि इस एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर माई पी लिख कर, यानी कि ID लिख कर। तो ये रिटर्न करेगा क्या? ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट जो कि होता है HTML पैराग्राफ एलिमेंट, जो कि P उसको रेफर कर रहा है। इतना तक हमारा क्लियर है? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है बहुत बार। अब इस P में हम लोग स्टाइल प्रॉपर्टी लगाएंगे, और अगर आप किसी एलिमेंट में, मान लीजिए P में जैसे कि आप स्टाइल प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है आपका CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करता है। और CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट यानी कि इसके पास होता है कलेक्शन ऑफ दिस, यानी कि जितने भी इन लाइन स्टाइल होंगे सभी का कलेक्शन होता है इसके पास।
क्लियर है। सो इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं वही अभी देखने वाले हैं। इसका नाम थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ये वेरिएबल नेम है, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इतना से इतना हटा कर इसमें सिर्फ सी एस कर देता हूँ। अब सी एस का यूज़ करके हम लोग सबसे पहले देखेंगे सी एस एस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। सी एस एस टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, सी एस एस टेक्स्ट प्रॉपर्टी रिटर्न्स और सेट्स द टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन लाइन स्टाइल डिक्लेरेशन ओनली। तो पहले रिटर्न करवाते हैं सी एस डॉट सी एस एस टेक्स्ट, चूँकि रिटर्न हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा, या तो आप कॉन्सोल में ही देख लेते हैं कॉन्सोल लॉग। अच्छा इतना ही करके अभी देखते हैं, ठीक है। मैंने रिटर्न ले लिया है सी एस एस डॉट टी सी एस एस टेक्स्ट, ये रिटर्न करेगा हमें और ये हमें कॉन्सोल में दिखाई देगा। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ आप देखेंगे आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन लाइन वो सारी की सारी आपको दिखाई देती है। एक बार यहाँ कॉन्सोल लॉग पी कर लेते हैं कि पी में क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। कॉन्सोल लॉग पी यानी कि इंटरनली हमें देखना है, हमें यहाँ तो नज़र आ रहा है कि पी में क्या है, पी में आईडी है और स्टाइल है, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी है, इतना हमें नज़र आ रहा है, बट हम लोग कॉन्सोल में देखना चाहते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, आप यहाँ देखेंगे पी में आईडी है, माई पी, स्टाइल है बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे कलर है ब्लैक और पैराग्राफ। सी एस एस टेक्स्ट का यूज़ करके सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि आप सेट भी कर सकते हैं इनलाइन स्टाइल। सो चलिए देखते हैं कि कैसे सेट किया जाता है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ तक सी एस लिखना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है। देन सी एस एस टेक्स्ट इक्वल साइन देकर डबल कॉट्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट हाइफन साइज, यहाँ सी एस एस का प्रॉपर्टी लिखना होता है, मैंने लिख दिया 70px, सेमी कलन। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, पहले ये ब्लैक था तो अभी हम लोग नया इसको देते हैं ब्लू, सेमी कलन। बस इतना ही करते हैं, काफ़ी होगा हमारे लिए। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि नया प्रॉपर्टी अप्लाई किया हुआ आपको मिलेगा, यानी कि इसका फॉन्ट साइज जो कैपिटल बड़ा हो गया है, कैपिटल नहीं बड़ा हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है, और ये इसका कलर चेंज होकर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। सो अगर कॉन्सोल पी करके आप देखें यहाँ पर, इसके बाद कॉन्सोल डॉट लॉग पी सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि पी आई डी माई पी स्टाइल, पहले यहाँ बैकग्राउंड कलर था डार्क ग्रे और कलर था हमारा ब्लैक, बट वह ओवरराइट हो गया है, अभी हमें दिखाई दे रहा है फॉन्ट साइज 70px, कलर ब्लू। सो जब भी आप सी एस एस टेक्स्ट इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिखेंगे इनलाइन स्टाइल, तो ये पहले वाले को ओवरराइट कर देगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। होता ये है कि इस सी एस के पास क्या है, इस सी एस के पास है इसका कलेक्शन। अब जब आप सी एस का यूज़ करते हैं और सी एस एस टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो सी एस एस टेक्स्ट क्या करता है कि यही इस चीज़ को यहाँ सेंड करता है, और साथ में ये इस चीज़ को जो पहले होता है उसको हटा देता है और नए वाले को यहाँ प्लेस कर देता है। तो ये पूरा कहानी इसमें होता है, और इसको और भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ इसको, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वरना शुरू से कहानी शुरू करते हैं कि पी क्या होता है, पी यहाँ क्या है, फिर सी एस क्या है, वही रिपीट होता है और कुछ नहीं, बाकी वही सेम चीज़ है। सी एस के पास पूरा कलेक्शन होता है इसका, और इस कलेक्शन को आपने यहाँ फिर से असाइन करके रिप्लेस कर दिया, बस इतना सा कहानी है। अच्छा सा सो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है सी एस एस टेक्स्ट। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि हमारा है, इतना सिर्फ हटाते हैं। दूसरा हमारा है लेंथ प्रॉपर्टी, इट गेट्स द नंबर ऑफ एक्सप्लिसिटली सेट स्टाइल्स ऑन द HTML एलिमेंट। सो डायरेक्ट इसका आप कॉन्सोल लॉग कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। कॉन्सोल लॉग और सी एस डॉट लेंथ, ये आपको काउंट करके देगा कि प्रॉपर्टी का नंबर कितना है। कॉन्सोल पी भी कर लेता हूँ मैं, इसको हम लोग वहाँ काउंट कर लेंगे मैनुअली।
सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको टू दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं, चलिए मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ लिख के दिखाता हूँ, फॉन्ट साइज 30 pixels, तो ये क्या होगा, ये आपका जो लेंथ है इंक्रीज हो जाएगा बाय वन, यानी कि टू की जगह अब आपको दिखाई देगा रिफ्रेश करने के बाद 3, और यहाँ आपको एक फॉन्ट साइज 30 pixels दिखाई देगा। ओके सो ये है लेंथ का कहानी। वापस से चले आते हैं जहाँ थे वहीं। सो लेंथ हो गया, अभी हम लोग मेथड की बात करेंगे। पहला मेथड है आइटम। आइटम क्या करता है, आइटम रिटर्न करता है CSS प्रॉपर्टी का नाम फ्रॉम दी CSS स्टाइल डिक्लेरेशन बाय इंडेक्स नंबर। CSS स्टाइल डिक्लेरेशन कौन है हमारा, ये है, ठीक है। सो इसी का यूज़ करके हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे और ये हमें रिटर्न करके देगा प्रॉपर्टी नेम, और इसमें आपको इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं कि कैसे ये करना है। कंसोल लॉग करते हैं और CS लिखते हैं इसमें, CS डॉट आइटम बिटवीन पैरेंथेसिस यहाँ इंडेक्स नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 1, सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कलर। सो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर है। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है। अगर 0 लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड कलर। 0 लिखा मैंने, सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए तो बैकग्राउंड कलर। अब इस मेथड के इक्विवेलेंट एक हमारे पास इसका शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका ये है कि इतना आइटम पैरेंथेसिस 0 लिखने के बजाय आप एरे नोटेशन का यूज़ कीजिए, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का, और यहाँ अपना इंडेक्स नंबर लिख दीजिए। सिंपली 0 लिख दिया मैंने तो ये आपको 0 इंडेक्स पर जो भी है वो असाइन करके, यानी कि डिस्प्ले करके, रिटर्न करके आपको यहाँ दिखाएगा। सो आइटम मेथड यहीं से हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा गेट प्रॉपर्टी वैल्यू। अभी हम लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम एक्सेस किया, अगर आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट प्रॉपर्टी वैल्यू मेथड का। सो CS में गेट प्रॉपर्टी वैल्यू आपको मेथड यूज़ करना है, और किस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो उसका आप यहाँ नाम लिख दीजिए, कौन सा प्रॉपर्टी। तो मुझे कलर का मान लीजिए एक्सेस करना है, तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू। तो इसको स्टोर कर लेते हैं एक एक वेरिएबल में, तो वेरिएबल का नाम क्या लिखें, प्रॉप वैल्यू इक्वल। अब आप कंसोल लॉग में इसको देखेंगे, प्रॉप वैल्यू को, प्रॉप वैल्यू को देखेंगे तो आपको इस कलर का वैल्यू नज़र आएगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ आपको ब्लैक दिखाई देगा। ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज कलर प्रॉपर्टी का हम लोगों ने कहा था कि कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, गेट क्रो, तो इसने गेट करके बता दिया ब्लैक है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वह है रिमूव प्रॉपर्टी। तो रिमूव प्रॉपर्टी सिंपल ऐसे ही काम करता है, ये रिमूव कर देगा, रिमूव करते हैं। यहाँ पर लिखना है रिमूव प्रॉपर्टी मेथड का नाम, रिमूव प्रॉपर्टी, और किस प्रॉपर्टी को रिमूव करना है उसका नाम आप लिखते हैं। जैसे कि मैंने कलर लिख दिया तो कलर प्रॉपर्टी हमारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पी करके दिखाता हूँ मैं आपको, सेव किया मैंने। अभी देखिए पी में क्या क्या हमारा, पी में एक बैकग्राउंड कलर है और एक कलर है, और कलर को मैंने रिमूव कर दिया, तो सिर्फ आपको एक ही दिखाई देगा जो कि होगा बैकग्राउंड कलर। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ आप देखेंगे सिर्फ आपको बैकग्राउंड कलर ही दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेट प्रॉपर्टी मेथड। तो सेट प्रॉपर्टी मेथड आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेट प्रॉपर्टी मेथड आप इस्तेमाल करते हैं, CS लिखिए, CS क्या है हमारा, फिर से एक बार बताइए। तो CS क्या, CS है हमारा CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट। सो इसमें डॉट लिखना है इसके मेथड को एक्सेस करने के लिए, सेट प्रॉपर्टी, और ये तीन आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट ये लेगा प्रॉपर्टी का नाम, दूसरा लेगा उस प्रॉपर्टी का वैल्यू, और तीसरा उसका प्रायोरिटी अगर आप सेट करना चाहें तो, जो कि ऑप्शनल है। अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको प्रॉपर्टी नेम और उसका वैल्यू देना है। सो एज्यूम करता हूँ मैं कि मुझे इसमें एक फॉन्ट साइज नाम का प्रॉपर्टी देना है और इसका कॉमा देना है, देन इसकी इसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ 90 pixels, और इसका मैं प्रायोरिटी दे देता हूँ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें
इम्पॉर्टेंट, अगर आपको नहीं पता है कि CSS में इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आपने CSS ठीक से पढ़ा नहीं है या फिर आप भूल गए हैं। सो आपको CSS का प्लेलिस्ट मेरा देखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। अगर इंटरनल में कहीं भी इसका इसको अगर लिखा गया है और इसका कुछ भी वैल्यू दिया गया है तो उसको देखना नहीं है। मैंने इसका प्रायोरिटी इम्पॉर्टेंट सेट कर दिया है, इसका मतलब हर जगह फॉन्ट साइज 90px होना चाहिए, 4p। ठीक है, तो ये होता है इम्पॉर्टेंट का मतलब, अपने प्रायोरिटी सेट कर दिया कि एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। सो सेट प्रायोरिटी, सेट प्रॉपर्टी का इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है, पहला जो यहाँ आप लिखते हैं वो प्रॉपर्टी का नाम, दूसरा उस प्रॉपर्टी का वैल्यू, और तीसरा उस प्रॉपर्टी का प्रायोरिटी। ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सेट हो गया है हमारा। अगर कंसोल लॉग करके आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पी देखिए, आपको यहाँ सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर है और कलर हमारा इनलाइन में था। अभी फॉन्ट साइज हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको सेट किया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है प्रायोरिटी के लिए। ओके, सो ये है हमारा सेट प्रायोरिटी। और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि एक और मेथड है एक्चुअली में, मेथड ये लास्ट मेथड है आई गेस। ये मेथड कहता है गेट प्रॉपर्टी प्रायोरिटी। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का प्रायोरिटी जानना है तो उस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो हमारा ये ब्लैक है इसको इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी दे देते हैं, कुछ इस तरीके से देना पड़ता है इम्पॉर्टेंट। अभी हमें मान लीजिए कि इस प्रॉपर्टी का इम्पॉर्टेंट सेट किया है मैंने, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर क्या है इसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर जानना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा cs.getPropertyPriority और यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का नाम जिसका प्रायोरिटी आपको जानना है। तो मैंने कलर का जानना है, ये रिटर्न कर देगा। तो वो रिटर्न करता है तो इसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। वेयर लिखा प्रॉप प्रायोरिटी इक्वल, और इसको हम लोग कॉन्सोल लॉग में देख लेते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। और इसमें प्रॉप प्रायोरिटी सेमीकोलन देना है, सेव करना है। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर दें और आपको यहाँ इम्पॉर्टेंट दिखाई देगा, जो भी ये प्रायोरिटी सेट है होगा। ओके, सो यही है आपका CSS स्टाइल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। होपफुली हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मेथड है उसको कवर किया है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इन प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, अगर बहुत ज़्यादा देखें तो CSS टेक्स्ट का यूज़ होता है और रिमूव एट्रीब्यूट का, सॉरी रिमूव प्रॉपर्टी का, बस मैक्सिमम टाइम इन्हीं चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी बहुत ही रेयर केस में यूज़ की जाती है, बिकॉज उसका अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है जो कि इससे कहीं ज़्यादा ईजी है। लेकिन हमें सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा है। होपफुली समझ में आएगा सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।